एक एक टॉपिक बेसिकली करना चाह रहे हैं जो हम लोग करते रहे हैं, वो ये है कि और आपकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है, एक तो यू वेरी वेरी नॉलेजेबल, यू नो योर न्यूट्रिशन विच नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू, नॉट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स डू, यू नो योर फिटनेस, यू नो योर रिकवरी, और आपको अच्छी खासी उसके ऊपर एक वो है नॉलेज के ऊपर, एक जैसे कहते हैं ना एक हाँ मतलब कि ओवरऑल आपको आप जानते हैं उसके बारे में. मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसके आपकी ये बातों से मुझे ये भी लगा और आपके एक्सपीरियंस से भी मुझे लगता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी एक स्ट्रेंथ है. मुझे याद पड़ता है कि आप पहले जब कैप्टनसी में भी थे तो तब भी अगर बाकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती थी आप हमेशा परफॉर्म करते थे. योर हेड वुड नॉट, योर शोल्डर्स वुड नॉट ड्रॉप, योर बॉडी लैंग्वेज वुड रिमेन द सेम, राइट? यू बीन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप, उसके बावजूद आपका मेंटल स्ट्रेंथ रहा है स्ट्रॉन्ग. यू आर स्टिल देयर, यू आर स्टिल फाइटिंग, यू स्टिल वॉन्ट टू गेट बैक. इसकी वॉट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? Have you read something or is it something that's natural to you? It is a blessing from Allah. जब आप ये यकीन रखते हैं कि आपके बस में कुछ नहीं है सिवाय कोशिश के, तो फिर यू आर नॉट वरीड. लेकिन इफ यू थिंक कि मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये कर दिया, तो फिर यकीन माने कि यू आर जस्ट, यू नो, यू आर जस्ट naive till the time you come to know कि आपके हाथ में कुछ नहीं. सो द बेटर इट इज़ टू, यू नो, अपने आप को सबमिट करें towards Allah's will. You make a mistake, say sorry. He is ready to pardon you, excuse you. So, हमारा दीन हमें ये सिखाता है. So, in my hard times, I've read the Quran with tarjuma. And if you look back at your life, any person looks back at his life and even know, come to know one final thing, and that is, कि मेरे तो बस में कुछ नहीं. Correct. ठीक है. So, you just try and do the right thing. The rest is up to the Almighty, the owner of the world.